थाना कोसीकला की कृषि उत्पादन मंडी के सामने नेशनल हाईवे पर हरियाणा पलवल की तरफ से आते हुए बाइक सवारों की अनियंत्रित होकर आगे चल रहे एक ट्रैक्टर से भिड़ंत हो गई, जिसमें बाइक सवार तोताराम और बच्चों दोनों ही गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना को देख स्थानीय लोग भी मौके पर पहुंच गए और घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती करा दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और घायल लोगों का इलाज कराने में जुट गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल हुए व्यक्तियों की सूचना उनके परिवार के लोगों को दे दी। घटना की सूचना मिलते ही परिवार के लोग भी अस्पताल पहुंच गए। घायल तोताराम की हालत नाजुक होने के कारण उसको अन्य किसी बाहरी अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। दोनों घायल लोग पलवल के रामपुर गांव के रहने वाले हैं। यह लोग छाता के पास किसी गांव में किसी काम से जा रहे थे। इस बारे में जानकारी देते हुए परिवार के एक व्यक्ति ने जानकारी दी है। आपका कहाँ के रहने वाले हो? रिगोट के। रिगोट, ये क्या एक्सीडेंट हुआ, क्या लगते हैं आपके? मामा जी। मामा जी कहाँ से कहाँ जा रहे थे आपके मामा जी? रायपुर से छाते जा रहे, छाते के पास में नंगला पड़ रहा है। किस लिए जा रहे थे वहाँ? ये पैसे देने जा रहे थे, हम किसी देने में जा रहे थे। अच्छा, तो कितने मामा जी थे आपके यहाँ? मामा जी चार भाई हमारे। जिनका एक्सीडेंट हुआ कितने लोग? दो लोग थे बाइक पे, हमारे पीछे पीछे आ रहे थे, करीबन 4-5 किलोमीटर का फासला था। उनकी हालत कैसी बनी हुई है फिलहाल? फिलहाल तो उनकी लक्ष्मण जी जो मामा जी ज्यादा ही सीरियस है। हाँ। ज्यादा ही। अच्छा। ये भी होश में है। अच्छा। कौन सा जगह हुई थी ये घटना? ये अनाज मंडी के सामने बता रही है। मैं तो वहाँ से छाती से ऑटो लेकर वापसी आया हूँ, मैंने देखा तो यहाँ पे किस हॉस्पिटल के सामने हमें ले।